जाड़े में ठंडे लग जाने के बाद में साधु संत आदमी मर जाते हैं, ये ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रहा है प्रभु। घाट के किनारे जाता रहता था, वहाँ पे मैंने कई साधुओं को ऐसे देखा जो बिना कंबल, बिना साल, बिना स्वेटर के ठिठुरते हुए इतना दुख भरा बयान जिह्वा को व्यक्त करना असंभव है। कान में ठंड न लगे तो ये जो प्लास्टिक का रैपर आता है उसको कान में ऐसे ओढ़ के कि कान से कम ठंडी न लगे, और प्लास्टिक के बोरे को जिसको लोग फेंक देते हैं सब्जी और चीज़ों को ला के वो पैर में डाल के किसी तरीके से व्यवस्था में जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं कि ठंड न लगे हमें। तो ऐसे में मुझे एक प्रेरणा मिली, पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ पे आए हुए हैं साधु हैं, इनके लिए मैं कुछ मदद कर सकूँ ताकि इनकी उस माघ की जो ठंड भरी रात होती है इसमें इनको सहयोग मिल सके। साधु आज भी हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, लेकिन समाज आज भी साधुओं को किसी प्रकार का सहयोग नहीं प्रदान कर रहा है। जिनके पास कंबल नहीं है, गर्म कपड़े नहीं हैं, वो किसी तरीके से घाट के किनारे कुछ जगहों पे अलाव जला के अपने को गर्म रखने की चेष्टा करते हैं। ठंड जब और प्रबल हो जाती है, पता चलता है कोई ठंड लगने से गंभीर बीमार हो गया तो कोई ठंड लगने से मृत्यु के मुँह में चला गया, ये देख के मन बहुत ज़्यादा ही विचलित हो जाता है। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें ताकि हम सन्यासियों तक कंबल, साल, टोपी, मोजा और भी गर्म कपड़े उन्हें प्रदान कर सकें।